फाइनली गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाटरमार्क को कैसे इनेबल करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए। कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और गाइस, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबा दिए। आप लोगों के पास शायद हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है, इसलिए आप लोग हमारे वीडियोस को देख नहीं पाते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो गाइस, अगर मैं आप लोग कैमरा ओपन करके दिखा देता हूं, मैं कैमरा कैप्चर करता हूं। और कैमरा ओपन करके दिखा देता हूं तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर वाटरमार्क हम लोग को देखने को नहीं मिलती है रेडमी वाई 2 की डिवाइस में। सेटिंग में ले जाकर दिखा देता हूँ गाइस, Redmi Y2 यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट ग्लोबल बीटा वर्सन है 9.2.21 की। जैसा कि उस वीडियो में 100 लाइक्स तो नहीं हुई, लेकिन आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि हम लोग कैसे अपने Redmi Y2 के डिवाइस में इसे एक्टिवेट करेंगे। रहूँगा और गाइस, फाइनली आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्यूटोरियल, कैसे हम लोग अपने इस फ़ोन में Redmi Y2 के डिवाइस में डुअल वाटरमार्क को एक्टिवेट करेंगे, इनेबल करेंगे। हाय, माय नेम इज सरफराज एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ओनली टॉक। ऑफिशियली अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिली है, मैंने कई पर फीडबैक दिए, वहां से सिर्फ एक ही रिस्पांस मुझे देखने को मिलती है, कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। शाओमी ये कंफर्म नहीं बोला है कब तक हम लोग के डिवाइस में ये अपडेट्स देगा, लेकिन गाइस अपडेट्स ऑफिशियली जरूर मिलेगी। अगर आप लोग ऑफिशियल वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेरी तरह वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखकर ट्यूटोरियल को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे आप लोग अपने फ़ोन में डुअल वाटरमार्क को एक्टिवेट करेंगे। तो गाइस, इस वाटरमार्क को Redmi Y2 में एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, हम लोग की डिवाइस रूट होनी चाहिए। रूट होने के लिए गाइस, डिवाइस की बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ही जरूरी है, मैंडेट है। बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को ये सबसे ईजी मेथड वाली बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं ये वाली मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इस मेथड को फॉलो कर लेना। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई है एकदम ईजी मेथड में कैसे आप लोग अपने डिवाइस की बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद बूट लोडर अनलॉक हो जाए तो आप लोगों को कस्टम रिकवरी फ्लैश करनी है। तो कस्टम रिकवरी कैसे फ्लैश करते हैं उसकी भी रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बता देता हूँ, ये वाली वीडियो को आप लोग देख लेना, तो आप लोग अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी को फ्लैश कर सकते हैं। अब गाइज, कस्टम रिकवरी को फ्लैश करने के बाद सिर्फ एक जिप हम लोगों को फ्लैश करनी है कि हम लोगों को अपने डिवाइस को रूट करनी है। मैंने मजिस्क मैनेजर से अपने डिवाइस को रूट की है, देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं आप लोगों को रूट चेकर में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डिवाइस मेरे रूटेड है, अगर डिवाइस रूट नहीं है तो हम लोग वाटरमार्क को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइज जो फाइल हम लोग अभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, फ्लैश करेंगे, वो मजिस्क मॉड्यूल है, उसे मैजिक्स के द्वारा ही हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, TWRP से नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी डिवाइस मजिस्क मैनेजर से रूट हो जाएगी तो आप लोगों को एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैं ये वाली लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वाले फाइल की, देख सकते हैं गाइस, ये वाली फाइल है वाटरमार्क एनेबलर H2 मैजिक्स जिप। अब दोस्तों, वाटरमार्क को एनेबल करने के लिए हम लोगों को इसकी जिप फाइल को मजिस्क मैनेजर से इंस्टॉल करनी होगी। तो मैं जाता हूँ मजिस्क मैनेजर में, इस 3 हैमबर्गर पर क्लिक करता हूँ जहाँ भी मैंने उस फाइल को सेव किया, आप देख सकते हैं वाली फाइल है वाटरमार्क एनेबलर H2 मैजिस्क। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, देख सकते हैं गाइज ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्लैशिंग होने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से अपने फ़ोन को रिबूट करेंगे। रिबूट करने के बाद गाइज हम लोग को ये वाटरमार्क Redmi Y2 में Redmi H2 में एनेबल हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुकी है, मैं कैमरा ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। टैप करता हूँ, फ़ोटो ओपन करता हूँ, गाइज देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को वाटरमार्क देखने को मिल गई। लास्ट वाली फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ, वाटरमार्क नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ पर देख सकते हैं वाटरमार्क देखने को मिल गई है। तो गाइज इस तरह से आप लोग अपने Redmi H2, Redmi Y2 में वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइज यही छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई है, कैसे हम लोग Redmi H2 की डिवाइस में वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हैं, डुअल कैमरा वाली वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड कीप वॉचिंग।